पहाड़ी संस्कृति को प्रमोट करती वीडियो एल्बम प्यार हुआ का शनिवार को विमोचन किया गया। इस एल्बम का विमोचन शिमला नगर निगम की पूर्व महापौर कुसुम सदरेट ने किया। इस मौके पर कुसुम सदरेट ने कहा कि हिमाचली कलाकारों द्वारा पहाड़ी संस्कृति को संरक्षित करने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। पहाड़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने और युवाओं को पहाड़ी संस्कृति से रूबरू करवाने के उद्देश्य से पहाड़ी कलाकारों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए किन्नौर के सांगला के रहने वाले के शंकर ने अपनी पहाड़ी एल्बम प्यार हुआ को लॉन्च किया है। इस एल्बम का विमोचन शनिवार को शिमला में नगर निगम की पूर्व महापौर कुसुम सदरेट ने किया। इस मौके पर कुसुम सदरेट ने कहा कि इस वीडियो एल्बम के माध्यम से पहाड़ी संस्कृति को संजोने का जो प्रयास किया गया है वो सराहनीय है। प्यार हुआ एक एल्बम का जो है आज विमोचन किया गया है, लॉन्चिंग किया गया है। ये हमारी पहाड़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है, क्योंकि आप जानते हैं पाश्चात्यकरण जो बहुत ज़्यादा हो गया है, पश्चिमीकरण हमारे बहुत है यहाँ पर। मुझे लगता है कि इसको एक कम करने का भी एक साधन है, और मुझे लगता है कि जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ाने का एक ये बहुत अच्छा जरिया है। और इसमें जो है अपने पहाड़ी लोगों को जोड़ा गया है, और इसमें पूरा हिमाचल जो है कवर होता है। और आप जानते हैं कि जो हमारा हिमाचल है उसको जो है देवभूमि कहा जाता है और वीरभूमि भी कहा जाता है, और आप जानते हैं कि पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है जो हमारा जो आज का एल्बम है उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इनके आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि इनका जो एल्बम है बहुत अच्छा है। इन्होंने एल्बम बहुत अच्छा बनाया है, और उसमें जो है जो प्योरली पहाड़ी नहीं है उसमें कुछ हिंदी के वर्ड भी इन्होंने डाले हुए हैं, ताकि जो है जो हमारे युवा पीढ़ी है ताकि उनको भी ये पसंद आए। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एल्बम है, और इनको मैं इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देती हूँ। वहीं के शंकर ने कहा कि उन्होंने अपने पहाड़ी एल्बम को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि इस एल्बम में दीपक पासन ने संगीत दिया है और इसे आईसुर स्टूडियो ने फिल्माया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि युवा पीढ़ी इसे जरूर पसंद करेगी। के शंकर ने कहा कि उनका प्रयास है कि वो पहाड़ी संस्कृति को और आगे ले जाएं। मेरी हाल ही में पिछले साल प्यार हुआ लॉन्च हुआ था, जिसमें पब्लिक ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। टीवी हिमाचल में नंबर वन पे आया था, वो आयसुर के द्वारा वो फिल्माया गया था। इस बार भी मैंने कुछ ऐसा मैशअप बनाया है जो हमारे पहाड़ी कल्चर के साथ साथ जो हमारे युवा पीढ़ी है उनके लिए मैंने एक मैशअप टाइप में बनाया है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको पसंद आएगा। जिसमें म्यूज़िक दिया है हमारे दीपक पासन जी ने, और उसे फिल्माया है आयसुर ने। इससे पहले आप कितने एल्बम निकाल चुके हैं? मैं इसके साथ साथ मैंने काफ़ी सारी नरेंद्र रंजन के साथ किया है, मैंने जो रोंजे मामा से नाम से जाने जाते हैं उनके साथ मैंने 2016 में नहीं उनके साथ की थी डीजे वायरस, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही थी। और उसके साथ साथ मैंने अपने फोक के लिए, जैसे किन्नौरी फोक होता है, हमारा तो किन्नौरी चलता है, मैं बेसिकली किन्नौरी गाता हूँ और मैं किन्नौर से बिलोंग करता हूँ, पर मुझे हिमाचली फोक ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। कि मेरे को ये लगता है कि मैं इसे बखूबी गा सकता हूँ, अच्छे से गा सकता हूँ, तभी मैंने हिमाचली सॉन्ग को ज़्यादा गाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।